खरगोन जिले के कसरावद में आज नवरात्रि पर्व के चौथे दिन नर्मदा तट शालिवान मंदिर तक भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। धार्मिक यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व कृषि मंत्री विधायक सचिन यादव सहित हजारों ग्रामीण शामिल हुए। 751 मीटर लंबी चुनरी को सर पर लेकर निकली महिलाओं की धार्मिक यात्रा में करीब 15,000 से अधिक कलश सिर पर लेकर निकली महिलाएं शामिल थी। कसरावद विधायक एवं पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव की अगुवाई में पिछले 12 सालों से कसरावद से नावड़ातोड़ी नर्मदा तट तक चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। पिछले 2 वर्ष से कोरोना के चलते धार्मिक यात्रा नहीं निकाली गई थी। इस वर्ष श्रद्धालुओं में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। चुनरी कलश यात्रा में पिछले वर्षों से ज्यादा उत्साह और भीड़ देखी गई। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। नवरात्र का पावन पर्व है और हम सब माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं और कसरावद से नवड़ाटोड़ी जो हमारा माँ नर्मदा का तीर्थ स्थल है वहाँ तक चुनरी यात्रा सचिन यादव जो विधायक है उनके नेतृत्व में निकाली जा रही है और ये पर्व माँ दुर्गा की आराधना का। हम ईश्वर से माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये क्षेत्र निमाल क्षेत्र मध्य प्रदेश देश सुख समृद्ध हो, खुशहाल हो, लोग प्रगति करें, उन्नति करते करें, आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, यही इस अवसर पर माँ से हम सबकी प्रार्थना है। देखिए कसरावद विधानसभा क्षेत्र की उन्नति, तरक्की, समृद्धि, खुशहाली के लिए और साथ ही साथ प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए कसरावद विधानसभा क्षेत्र की हमारी समस्त माताएं बहनें सभी समस्त साथी नवरात्र के पावन पर्व पर अपनी मनोकामनाएं लेकर के माँ नर्मदा के तट पर हम लोग जाते हैं जहाँ पर माँ नर्मदा को चुनरी उड़ा करके हम अपनी पूजन अर्चना हम लोग करते हैं और यही हम लोग सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारे कसरावद विधानसभा क्षेत्र उन्नति और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चले और हमारा किसान और हमारा नौजवान आर्थिक रूप से सक्षम हो, मजबूत हो, उसकी उसका विकास हो, यही सब मनोकामना लेकर के माँ नर्मदा के और नवरात्रि पावन पर्व हम सभी जाते हैं। कोरोना की वजह से 2 साल से लोग उत्साह नहीं बन पाए, इस बार ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से प्रति वर्ष हम लोग इस चुनरी यात्रा का आयोजन करते हैं लेकिन बीच में कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष हमारी यात्रा में बाधा आई थी और इसी कारण से हम यात्रा नहीं कर पाए थे लेकिन जो पुनः कोरोना के बाद जो यात्रा प्रारंभ हुई है तो हमारी हर्षोल्लास जो है यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। विशेष करके हमारी जो माता बहन है उनमें बहुत ऊर्जा और भक्ति का भाव जो है सबके मन में है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।